हाय गाइज गुड मॉर्निंग टू ऑल एक बार फिर से आप सबका स्वागत है वाईप स्टडी स्टूडियोज़ चैनल पे विच इज़ अ पार्ट ऑफ एन अकेडमी तो यहाँ पे हमारी जो सीरीज़ चल रही है कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक के रिवीजन के लिए बिकॉज इट्स दिवाली टाइम तो आप सबको पता है कि जितना ज़्यादा आप रिविज़न कर सकते हो आपके लिए उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा तो ये सीरीज़ खत्म होने के बाद में जो कि इस पूरे वीक चलेगी कुछ इम्पोर्टेंट पर्टिकुलर टॉपिक्स हैं जो भी आपके हर एक पेपर के अंदर सवालों को बना रहे हैं चाहे वो आर्ट एंड आर्किटेक्चर हो चाहे वो टेक्नोलॉजी हो चाहे वो लाइक uh, मॉन्यूमेंट्स like हो या मूवमेंट्स के ऊपर हो तो वो सारी चीज़ें इस एक हफ्ते में कंप्लीट हो जाएंगी जैसे ये वाली सीरीज आपकी ख़त्म होगी उसके बाद में एस एस का जो प्रीवियस ईयर पेपर है वो आपके लिए स्टार्ट हो जाएगा फ्रॉम द मंडे ठीक है तो क्लास के लिंक को एक बार से लाइक और शेयर करिएगा और आज हम पढ़ने वाले हैं मुगल आर्किटेक्चर के बारे में देखिए होता क्या है कि हमने पूरा का पूरा मुगल साम्राज्य तो पढ़ा हुआ है लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है कि जब उसके आर्किटेक्ट के ऊपर सवाल बनते हैं कि ये वाली मस्जिद किसने बनवाई इसका स्ट्रक्चर कैसा है क्या यहाँ पे पर्शियन टच है या फिर लाइक जो नॉर्थ का एरिया है वहाँ पे कौन से स्टाइल के टेंपल्स बने हैं साउथ के एरिया में क्या मुगल एम्पायर ने कोई मंदिर बनवाया है तो इस तरीके के जब सवाल आते हैं ना तो वहाँ पर अक्सर गलती हो जाती है तो इन्हीं सारे क्वेश्चंस को हम लोग ख़त्म करेंगे इस पर्टिकुलर सेशन में तो शुरुआत करते हैं और प्लीज़ अपने प्रॉपर नोट्स बनाते रहिएगा पीडीएफ आपको इस क्लास की नहीं मिलेगी सेकेंडली आप यहाँ पे ये ध्यान दीजिएगा कि इस क्लास के जस्ट बाद में आपका करेंट अफेयर्स का जो क्लास है वो रहेगा कोई छुट्टी नहीं है आज छुट्टी जिस दिन होगी हम ऑलरेडी आपको इन्फॉर्म कर देंगे तो यहाँ परेशान होने की जरूरत नहीं मैम छुट्टी 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 छोटे बच्चे नहीं है छुट्टी छुट्टी ठीक है चलिए तो शुरुआत करते हैं मुगल आर्किटेक्चर के बारे में देखिए मुगल आर्किटेक्चर की जब हम बात करते हैं तो जब ये इंडिया के अंदर आता है तो इसका एक जो इम्पैक्ट होता है इसकी जो लाइक आप कह सकते हो कि जो इसकी बनावट थी वो इंडियन कल्चर पर्शियन कल्चर और टर्किश कल्चर को दिखाती थी टर्किश कल्चर की अगर हम बात करें तो आपको पता है कि जो टर्की वाला एरिया था वहाँ पे ओटोमन एम्पायर रूल किया करती थी और यही वो ओटोमन एम्पायर थी जिसको आगे चल के जब आप देखेंगे 1919 के टाइम पे काफ़ी सारी चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं सेकेंडली इनका जो पूरा टाइम पीरियड रहा है मुगल एम्पायर का इन्होंने सबसे ज़्यादा जिस चीज़ का इस्तेमाल किया वो रेड कलर के स्टोन्स और मार्बल्स का किया गया आप सबको मालूम है ताजमहल आप सबको मालूम है रेड फोर्ट ये जो जितनी भी चीज़ें आप आज के टाइम पे देख रहे हो ना इन सब के अंदर इन दोनों का इस्तेमाल सबसे ज़्यादा किया गया आप कहेंगे क्या मैम ऐसे क्वेश्चन आते हैं पेपर में एक बार इसे पेपर उठा के देखिएगा आपको ऐसे क्वेश्चंस पेपर में मिलते हैं कि इनके टाइम पीरियड के टाइम पे सबसे ज़्यादा कौन सी वाली चीज़ का इस्तेमाल हुआ करता था तो यू कैन ईजली आंसर कि रेड स्टोन एंड द वाइट मार्बल सेकेंडली ये जो पूरा टाइम पीरियड था इनके जो लाइक कोई भी चीज़ अगर इन्होंने कंस्ट्रक्ट करी है तो उसके कुछ स्पेशल फीचर्स होते थे कि यार ये तो होगा ही होगा तो उसमें अगर हम देखें तो सबसे इम्पोर्टेंट ये था कि कोई भी चीज़ अगर ये कंस्ट्रक्ट करवाते थे तो उसके आसपास के एरिया में गार्डन जरूर होता था जैसे कि मान लीजिए ये बीच में इन्होंने कोई चीज़ कंस्ट्रक्ट करवाई और इसके चारों तरफ आप देखोगे तो आपको गार्डन जैसा एरिया देखने को मिलता था तो एक गार्डन लेआउट होता था लेआउट का मतलब क्या है आउटलाइन तो एक गार्डन लेआउट होता था कोई भी मॉन्यूमेंट अगर ये बनवाते थे उसके साथ दूसरा टॉम आपने देखा होगा गुम्मत है ना जैसे कि मानो कि ताजमहल है या कोई भी अगर मंदिर है तो उसमें अगर आप देखें तो आपने देखा होगा कि मंदिर जो है उसमें ऐसे करके शिखर बना होता है अब ये मत कहना मैम शिखर क्या होता है नागारा स्टाइल के जो मंदिर होते हैं ना उनका जो टॉप वाला एरिया होता है जो कुछ इस तरीके से मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है ये मंदिर हो जाएगा तो ये वाला जो एरिया है ना इसे क्या कहते हैं इसे शिखर कहते हैं यहाँ ऊपर की साइड पे झंडा लगा होता है फ्लैग लगा होता है ओके okay. ओह मेरा मंदिर तो थो थोड़ा थो टेढ़ा हो गया कोई बात नहीं इसको सीधा कर लेना तो ये क्या होता है दिस इज शिखर लेकिन अगर आप इनके टाइम पीरियड की बात करेंगे तो मुगल डायनेस्टी के टाइम पे बहुत सारे ऐसे मंदिर थे जिनको तोड़ा गया था और उनको तोड़ने के बाद में मॉस्क्यू में कन्वर्ट किया गया था तो इनका जो पूरा का पूरा टेन्योर रहा है उसमें आपको सबसे ज्यादा गुम्मत देखने को मिलते हैं जिसे हम डोम का नाम देते हैं अगला स्प्लेंडर टोर्च एट द कॉर्नर यानी कि जो कोने कोने का एरिया हुआ करता था वो हमेशा कैसा होता था बहुत ही ज्यादा पतला होता था पतले का इन द सेंस क्या हो गया कि मान लो कि ये कोई मॉन्यूमेंट है ठीक है अब ये वाला जो होगा ना ये काफी ज्यादा पतला एरिया होता है मतलब ऐसा नहीं होगा कि यहाँ पे आपको कोई लाइक like, uh, होता ना कि कुछ पत्थरों के ऊपर जो आपने देखा होगा लाइक पेंटिंग होती है तो उसके ऊपर क्या करते हैं वहाँ पे पत्थर के ऊपर ही डिज़ाइन किया जाता है तो ऐसा नहीं था कि वहाँ पे कॉर्नर्स को छोड़ दिया जाता क्योंकि कॉर्नर्स हैं तो चलो स्किप कर दो ऐसा नहीं था यहाँ पे कॉर्नर्स के एरिया में भी आपको पेंटिंग्स वगैरह देखने को मिलती थी वहाँ पे क्या पत्थरों को अलग अलग करके वहाँ पे आपको डिफरेंट डिफरेंट डिज़ाइंस देखने को मिलती हैं ब्रॉड गेट वे मतलब कि जो एंट्री पार्ट होगा वहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आपको बहुत ही ज़्यादा ब्रॉड वे में आपको गेटवे की एंट्री देखने को मिलती है तो ये चार स्पेसिफिक फ़ीचर्स हुआ करते थे आप ये देख सकते हो ये जैसे कि आपको गेटवे नज़र आ रहा है यहाँ पे आप देख रहे हो ये डोम का आपको स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है ये देखो ताजमहल का एरिया आपको दिख रहा होगा है ना तो ये इसी तरीके से हर जगह पर आपको डोम वगैरह देखने को मिलते हैं चलिए आगे देखते हैं अब यहाँ पर मुगल साम्राज्य के टाइम पर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये थी कि इनकी जो भी यहाँ पे ये देख रहे हो ये इस तरीके से जो बनाया गया है, है ना तो ये जितनी भी चीज़ें बनाते थे हमेशा ज्योमेट्रिक पैटर्न में होती थी हे भगवान मैम यहाँ पे भी मैथ लग गई ये हमेशा ज्योमेट्रिक पैटर्न में हुआ करती थी पिलर्स होते थे वॉल्स एंड जितने भी आसपास के हॉल वगैरह होते थे हर जगह पे इनका इस्तेमाल किया जाता था और ऐसा नहीं था जैसे कि सपोज करो ये कोई दीवार है अब दीवार पर ऐसे नहीं कि यहाँ पर एक कार्टून बना दिया यहाँ एक कार्टून बना दिया यहाँ कार्टून यहाँ कार्टून ऐसे नहीं जो आज के टाइम पर होता है उस टाइम पे क्या होता था प्रॉपरली इस तरीके से एरिया को डिफाइन किया जाता था जैसे कि मधुबनी पेंटिंग है हमारे यहाँ पे अब मधुबनी पेंटिंग ऐसे ही नहीं बना दी जाती उसमें एरिया को डिफाइन किया जाता है कि इतने एरिया में ये बनेगा इतने में ये बनेगा इतने में ये बनेगा वैसे ये क्या करते थे पूरी दीवार को अलग अलग तरीके से पहले डिवाइड करते थे उसके बाद यहाँ पे चीज़ों को ड्रॉ किया जाता था नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे जितनी भी आपको ऐसी चीज़ें देखने को मिलेंगी जो मुगल डायनेस्टी से जुड़ी हुई हैं हर जगह पे आपको एंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर देखने को मिलता है एंडो इस्लामिक का मतलब ये हो गया कि यहाँ पर आपको इंडिया का कल्चर देखने को मिलेगा और इसके साथ ही साथ में आपको इस्लामिक रिलेशन का कल्चर भी देखने को मिलता है यानी कि यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आपको आर्च की फॉर्मेशन देखने को मिलती है आपने सुना होगा चेनाब आर्च ब्रिज अब ये आर्च क्या है आर्च इस तरीके से जो स्ट्रक्चर है ना इसे हम आर्च कहते हैं ये देखिए कुछ इस तरीके से आपको ये देखने को मिलेगा ये हर एक आपको स्ट्रक्चर के अंदर देखने को मिलता है जो मुगल साम्राज्य के टाइम पे बनी अब आइए ज़रा बात कर लेते हैं कि, कि किसके टाइम पे कौन कौन सी चीज़ों को बनाया गया है क्योंकि बहुत सारे ऐसे मॉन्यूमेंट्स आपको देखने को मिलेंगे देखिए सबसे पहले आर्किटेक्चर की जो शुरुआत है वो मुगल साम्राज्य में बाबर के समय पर होती है बाबर के टाइम पे बहुत सारी इमारतें बनाई जाती हैं मैक्सिमम ग्रोथ जो आपको देखने को मिलेगी वो अकबर के टाइम पे होती है क्लाइमेक्स यानी कि जो एंड है कि भैया इसके बाद कोई भी ऐसा फेमस मॉन्यूमेंट बना ही नहीं है जिसके बारे में हमें पता होना चाहिए तो वो शाहजहाँ थे है ना ताजमहल के बाद अब ताजमहल ये आएगी क्या है चीज़ कुछ अच्छी लगेगी समझ ही सकते हो और आखिरी में जो डिक्लाइन हो गया यानी कि अंत हो गया वो आपको औरंगजेब के टाइम पर मिलता है ये बिल्कुल उसी तरीके से है जैसे कि हम म्यूज़िक की बात करते हैं तो म्यूज़िक की शुरुआत तो हुई है यहाँ पर अलग अलग टाइम पीरियड पे लेकिन म्यूज़िक सबसे ज़्यादा या आप ऐसे कह लो पेंटिंग की बात कर लो पेंटिंग इज़ वेरी कॉमन पेंटिंग की अगर हम बात करें तो पेंटिंग में आपको पता है कि अलग अलग शासकों ने इसको शुरू किया बट मैक्सिमम जो ग्रोथ आपको देखने को मिली वो जहांगीर के टाइम पे देखने को मिली बस उसी तरीके से ये है अब देखिए बाबर के टाइम पे कौन कौन से मॉन्यूमेंट्स बनाए गए हैं जैसे कि काबुली बाग मॉस्क्यू जो है या पानीपत मॉस्क्यू ये बनाया गया कहाँ पर पानीपत के अंदर अब आपको मालूम ही है ये जगह कहाँ पर है तो दिस इज इन हरियाणा अब देखो सिंपल है एंट्री पॉइंट जो है एंट्री पॉइंट आप सभी लोग जानते हैं अफगानिस्तान वाला जो एरिया है वहां से होते हुए आपको एंट्री पॉइंट देखने को मिलता है तो उस एरिया से जब भी कोई शासक जब भी कोई रूलर या जब भी कोई लाइक like, लुटेरा वगैरह भी आता था तो वो इसी वाले एरिया से होते हुए आता था अगला देखिएगा संभल मॉस्क्यू जिसे हम जामा मस्जिद के नाम से भी जानते हैं ये आपको संभल के अंदर मिलेगी और अगला है रामबा ये कहाँ है ये आगरा के अंदर लोकेटेड है ये कुछ मॉन्यूमेंट्स हैं जो आपको बाबर के टाइम पे देखने को मिलते हैं ओके okay. अगला नाम है अकबर अब अकबर के टाइम पे आप जानते हैं कि बहुत ही ज़्यादा चीज़ें और मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि ये सब चीज़ें आपको क्लिक्स में भी दिखाई दें क्योंकि आपको तो पता ही है बस कमिंग टू ओके हमायूँ का मकबरा हम सभी लोग जानते हैं यहाँ पर कि हुमायूं का जो मकबरा था हुमायूं का जो टॉम था ये लाइक like, uh, कई बार ऐसा सवाल बन जाता है कि इसको किसने बनवाया था या फिर मान लीजिए कि किसके टाइम पीरियड पे बना था तो आपने एक नाम सुना होगा गुलबदन बेगम का आई होप कि इस नाम से आप वाकिफ़ होंगे ठीक है तो ये ध्यान दीजिएगा कि ये कौन थी वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे क्योंकि इन्होंने भी एक मॉन्यूमेंट बनवाया था कौन सा मॉन्यूमेंट बनवाया था और ये कौन थी वो आप कमेंट बॉक्स में आंसर करोगे तो हुमायूं का जो मकबरा है ये ध्यान रखिएगा ये किसके टाइम पे बनाए अकबर के टाइम पे बनाए अगला हाउस ऑफ वर्कशिप जिसे इबादत खाना बोला जाता है ये भी किसके टाइम पर बनाए ये भी अकबर के टाइम पे बनाए ये, बना ये दोनों चीजें जो आपको नजर आ रही है ये में देखे आप समझ गए होंगे कि वी आर टॉकिंग अबाउट आगरा अगला आगरा फोर्ट ये जो है ना ये बना हुआ है किससे लाल पत्थरों से मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताया कि इसके अंदर रेड कलर का जो स्टोन था उसका इस्तेमाल किया जाता है अगला लाहौर फोर्ट ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है नेक्स्ट देखिए फतेहपुर सीकरी ये यूपी पीएससी का फेवरेट वाला क्वेश्चन है हमेशा वो इसके ऊपर सवाल बना देता है कि फतेहपुर सीकरी कहाँ मिलेगा तो ये ध्यान रखिएगा कि ये फतेहपुर सीकरी जो है वो लाल पत्थरों से बना हुआ है रेड स्टोन से बना हुआ है और ये भी आपको कहाँ मिलेगा आगरा वाले रीजन में ही मिलेगा अगला बुलंद दरवाज़ा बहुत 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 पूछा जाता है तो बुलंद दरवाजा अगर तुमसे पूछा जाए तो ये भी अकबर ने ही बनवाया था क्या आप मुझे बता सकते हैं कि किसके ऊपर जीत दर्ज करने के बाद में इसको बनवाया गया था कमेंट बॉक्स में लिखते चला करो अगला अलाहाबाद फोर्ट एंड पंच महल। ये सारे के सारे जो मॉन्यूमेंट्स हैं ये अकबर के टाइम पे बनाए जाते हैं नेक्स्ट है जहांगीर का टाइम पीरियड जहांगीर के टाइम पे सबसे पहले अकबर का जो मकबरा था कहाँ सिकंदरा के अंदर इसको बनाया गया ये पेपर के अंदर पूछा जाता है अगला अनारकली का मकबरा कहाँ पे बनवाया था लाहौर के अंदर इसको बनवाया था नेक्स्ट शालीमार गार्डन ये बहुत ही खूबसूरत बना हुआ है कभी आपको मौका मिले जम्मू कश्मीर जाने का तो वहाँ पे एक आ, टेंपल है जिसका नाम है ग्लास टेंपल वहाँ पे आप जाएंगे तो वहीं से थोड़ी दूरी पे आपको शालीमार गार्डन मिलेगा बहुत खूबसूरत सा बना हुआ है जाना ज़रूर ठीक है अगला सुनिएगा अगला है यहाँ पे एक और मकबरा जिसके बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं ये देखिए सुनिए नूरजहाँ आई होप कि आप सभी लोग जानते हैं है ना नूरजहाँ के बारे में कौन नहीं जानता भाई है ना खूबसूरती की एक चीती जागती मिसाल तो नूरजहाँ की अगर हम बात करें तो इनके लिए ध्यान दीजिएगा कि इनका जो मकबरा है वो यमुना नदी के किनारे पे बना हुआ है एंड वॉज द इंस्पिरेशन है ना अब मतलब अब क्या कहें कुछ शब्द ही नहीं है यहाँ पे कहने के लिए तो ताजमहल बस कहानी यही ख़त्म हो जाती है अगला सुनिएगा यहाँ पे मरियम उस जमाने आपने नाम सुना होगा ये एक तरीके का टाइटल हुआ करता था ये टाइटल दिया जाता था ये कहाँ पे बना हुआ है ये सिकंदरा के अंदर बना हुआ है इसके अंदर भी रेड स्टोन का इस्तेमाल किया गया है अब देखिए यहाँ पे अगर आप पूछें कि भाई किसके टाइम पे बना है तो आप यहाँ पे देख सकते हैं बिल्ड इन द मेमोरी ऑफ अकबर बाइक आपने जोधा अकबर मूवी देखी होगी या आपने जोधा अकबर सीरियल देखा होगा वो जो जी पे आया करता था तो उसमें ये टाइटल दिया गया था जोधा को ठीक है तो इन्होंने फिर अपनी वाइफ की याद में इसको बनवाया था ये देख रहे हो ना लिखा हुआ है हल्का भाई ठीक आगे देखिए इट वॉज बिल्ड बाय द एम्पर जहांगीर इन सिक्सटीन ट्वेंटी थ्री टाइम पीरियड क्या है यहाँ पे सिक्सटीन ट्वेंटी थ्री अगला देखिएगा शाहजहां के टाइम पीरियड में क्या सबसे पहला तो शहर जिसके ऊपर क्वेश्चन बन जाता है तो ये क्या है शहर का नाम शाहजहांबाद जो है ये एक शहर था एक सिटी थी जिसको डेवलप कराया था किसने शाहजहां ने। अगला सुनिएगा रेड फोर्ट एंड जामा मस्जिद दोनों ही आपको दिल्ली के अंदर मिलेंगे और ये दोनों ही शाहजहाँ के द्वारा डेवलप कराए गए थे ताजमहल की भी अगर आप बात करोगे तो द वन एंड द मोस्ट ब्यूटीफुल जो आप आज के टाइम में देखते हैं मुमताज़ महल की याद में बना हुआ ताजमहल और ये सबसे ज़्यादा खूबसूरत चीज़ जो हमारे देश के अंदर आपको देखने को मिलती है इवन देश के अंदर की क्या बात करें यूनेस्को एंड जितनी भी हेरिटेज साइट्स हैं सब में मिलेगा वंडर ऑफ द वर्ल्ड में भी आपको मिलता है ओके okay, यहाँ पे आप जरा इस वाले पॉइंट को एक बार से समझ लीजिएगा कि ये जो नूरजहाँ की बात हो रही है ना ये एक तरीके से इंस्पिरेशन था किसके कंस्ट्रक्शन के लिए ताजमहल के कंस्ट्रक्शन के लिए लेकिन ताजमहल को कंस्ट्रक्ट किसने करवाया था ये ध्यान रखना यहाँ पे कंफ्यूज मत हो जाइएगा अगला सुनिएगा रेड फोर्ट हम सब लोग जानते हैं रेड फोर्ट के बारे में कुछ अलग से बताने की जरूरत नहीं है मुझे लेकिन ये जो रेड फोर्ट है ये यहाँ पे बनाया गया था दिल्ली के अंदर सिक्सटीन एटीन के टाइम पर और इसके अंदर भी लाल पत्थरों का इस्तेमाल किया गया है इसमें अगर आप देखेंगे तो आपको दो एंट्रेंस गेट देखने को मिलते हैं लाहौर गेट एंड द दिल्ली गेट नहीं लाहौर गेट से मतलब ये नहीं कि वहां से एंट्री लोगे सीधा लाहौर पहुँचाओगे नो ऐसा कुछ भी नहीं है चलिए नेक्स्ट पे देखिए रंग महल हीरा महल दीवाने आम दीवाने खास ये जितने भी आपको अलग अलग यहाँ पे बिल्डिंग्स देखने को मिल रही हैं ये सारी की सारी रेड फोर्ट का ही हिस्सा है उसी के अंदर इसको बनाया गया है अगला दीवाने खास अब दीवाने खास क्या था जैसे कि मान लीजिए कि कोई ऑडियंस आया हुआ है या मान लो कि कोई पर्सन आया हुआ है किसी से मिलने के लिए तो उन लोगों के लिए अलग से एक जगह बनाई जाती थी जिसका नाम दीवान खास रखा गया था इसके अलावा शाहजहाँ ने जितनी भी बिल्डिंग्स बनवाई हैं जितने भी मोन्यूमेंट्स बनवाए हैं हर एक के अंदर आपको गोल्ड सिल्वर और जेम स्टोन और मार्बल्स का तो आपको यहाँ पे यूसेज देखने को मिलेगा ही मिलेगा ये बी है ठीक है मार्बल्स का तो यूज आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा आपको मालूम ही होगा कि राजस्थान वो जगह है जहाँ पे आपको सबसे बेस्ट क्वालिटी के मार्बल्स या ग्रेनाइट मिलते हैं जगह का नाम कमेंट बॉक्स के अंदर लिखिए कई बार बता चुके हैं इसलिए पूछा है अगला देखिएगा एक फ्रेंच ट्रैवलर आते हैं फ्रांकुस बर्नियर इन्होंने जब एंट्री ली थी तो आ, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या थी पिकॉक थ्रोन इसको पता है किसने बनवाया था शाहजहाँ ने बनवाया था अपने लिए बहुत ही खूबसूरत सा है ना पिकॉक के शेप का था और ये कहाँ पे रखवाया गया था दीवान खास के अंदर इसको रखवाया गया था दूसरा रंग महल ये जो था ना इसकी अगर हम बात करें इसको कहा जाता है शीश महल के नाम से भी इसको जानते हैं काफ़ी खूबसूरत ये भी बना हुआ है ये भी आपको पता होना चाहिए आइए ज़रा बात कर लेते हैं ताजमहल के बारे में थोड़ा सा अलग हटके ताजमहल की बात करें तो आगरा के अंदर है आप सबको मालूम है और इसको यहाँ पे कंस्ट्रक्ट करवाया गया था शाहजहां के द्वारा टाइम पीरियड 1631 का है और इन्होंने इसको अपनी वाइफ की याद में दैट इज मुमताज महल की याद में बनवाया था ये पर्टिकुलर एक ऐसी जगह है जहां पे अगर आप देखेंगे तो इसके बीच में से यमुना नदी होते हुए जाती है एंड यमुना इज अ टिब्यूट्री ऑफ गंगा नदी यह आप सभी को पता है और दिल्ली जो है वो भी यमुना नदी के किनारे पर है आगरा वो भी यमुना के किनारे पर है इटावा नाम की जो जगह है वो भी आपको यमुना के किनारे ही देखने को मिलती है आप सुनिएगा यहाँ पे मैंने अभी आपको बोला कि यूनेस्को की साइट के अंदर इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो जो आपका वंडर्स ऑफ आप द वर्ल्ड है उसके अंदर भी इसको मेंशन किया गया है इसका जो आर्किटेक्चर स्टाइल है अगर हम इसको देखें तो ये सेंट्रल एशिया ईरान और इंडिया के स्टाइल को एक साथ एक ही जगह पर दिखाता है इसको कंस्ट्रक्ट या फिर जो इसका आर्किटेक्चर था वो उस्ताद अहमद लाहौरी के द्वारा किया गया था ऐसा माना जाता है अब ऐसा है कि नहीं है ये तो मुझे आज जाने के बाद में पता चलेगा और हाँ आज जाने के बाद का मतलब ये है कि ये क्लास आपका होगा क्लास हम लेंगे उसके बाद में ही जाएंगे तो यहाँ पे ये ध्यान दीजिएगा कि ऐसा कहा जाता है इसमें कितनी सच्चाई है वो तो पता चली जाएगा तो इसमें ये बोला जाता है कि जब यहाँ पर इन्होंने पूरा आर्किटेक्ट कंप्लीट किया मतलब जब ताजमहल बन के तैयार हो गया उसके बाद में शाहजहां ने उनके हाथ काट दिए थे रीज़न ये दिया जाता है कि ऐसा कोई भी मॉन्यूमेंट इन फ्यूचर ना बने हमारे देश के अंदर इसलिए ऐसा किया गया था क्योंकि वो चाहते थे कि ये जो मोहब्बत है ये जो प्यार है वो सिर्फ एक ही मॉन्यूमेंट्स के अंदर दिखाई दे भले ही उसके अलग, अलग 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 हिस्से हैं लेकिन फिर भी वो जो खूबसूरती है वो आपको सिर्फ और सिर्फ यहीं देखने को मिलती है दैट इज़ वन एंड ओनली ताजमहल इसके अंदर वाइट मार्बल का यूज़ किया गया एंड दिस टर्म यूपीएससी का फेवरेट सवाल है ये वो हमेशा ताजमहल के ऊपर जब भी सवाल बनाता है तो वो हमेशा पूछता है कि ये बता दो इसके अंदर जो कलाकारी करी गई है उसे हम क्या कहते हैं एसएससी के पेपर में भी पूछी गया मतलब पूछा गया एक ये सवाल है तो इसे कहा जाता है पैटा ड्योरा टेक्निक ये पता है क्या होता है जैसे मानो कि कोई पत्थर है ठीक है उस पत्थर के अंदर डिज़ाइनिंग करी जाएगी और उसके अंदर रंगों को भरा जाएगा बहुत खूबसूरत तरीके से ये किया जाता है अगला देखिएगा चार बाग स्टाइल इंस्पायर्ड बाय द क्या हुमायूं स्टॉन्ग और ये जो यहाँ पे स्टाइल है ये हुमायूं के मकबरा जो बना था उससे काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर्ड था औरंगजेब आप सभी को बताया था मैंने स्टार्टिंग में ही भैया सेशन को अच्छा लाइक और शेयर भी मार देना आप लोगों के कहने पे ये आर्ट एंड कल्चर का जो एक टॉपिक था ये मैंने पिक किया अदरवाइज़ मैं इस टॉपिक को शायद फिर कभी पढ़ाती पर मैंने सोचा कि अभी दिवाली का टाइम है तो आप लोगों को कुछ इसी तरीके से तोहफा दे दिया जाए हाँ चलिए अच्छा तो औरंगजेब की अगर हम बात करें तो इनके टाइम में तो ये सब चीजें डिक्लाइन पे पहुंच चुकी थी और यहाँ पे ये ध्यान रखिएगा बादशाही मस्जिद पर्ल मस्जिद और क्या औरंगाबाद ये तीनों चीजें जो हैं ये किसके टाइम पे बनी है औरंगजेब के समय पर इनको बनाया गया लाहौर रेडफोर्ट एंड महाराष्ट्र ये तो आप सबने सुना ही होगा एम वाली मूवी हाँ सोच लो तो दूर नहीं है याद आया तो बस ये आपको ध्यान रखना है अगला सुनिएगा यहाँ पे इन्होंने अपनी वाइफ की याद में क्या बनवाया था दिल्स बानो बेगम ये नाम थोड़ा सा ध्यान रखिएगा क्योंकि इन्होंने बनवाया था बीवी का मकबरा अब ये मत कहना मैम ये तो पहली बार सुना है क्योंकि अगर ऐसा कह दिया तुमने भैया कांड हो जाएगा तो ये इन्होंने बनवाया था अपनी वाइफ की याद में और इसको डेकिन के ताजमहल के नाम से भी जाना जाता है तो प्लीज़ इसके लिए तैयार रहिएगा आइए जरा बात कर लेते हैं कुछ मुगल पेंटिंग्स की अच्छा मुगल्स की जो पेंटिंग होती थी ना स्टार्टिंग में ये बहुत ही ज्यादा कलरफुल नहीं होती थी कलरफुल इन द सेंस कि लाइक बहुत सारे पिक्चर्स को डिपेक्ट नहीं करते थे ये हमेशा नेचर को दिखाते थे समझ रहे हो ये हमेशा नेचर को दिखाते थे तो यहाँ पे देखो पैरट बुक दस्तने आमिर हमरेज अकबर नामा तारीख हल्फी और यहाँ पे महाभारत ये कुछ ऐसे हैं जो आपको यहाँ पे डिपिक्ट होते हुए नजर आएंगे अगर इनके टाइम पीरियड के यानी कि मुग़ल टाइम पीरियड की अगर हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पे ऐसे कौन से पेंटर्स थे जिनका नाम यूजुअली आता है पेपर के अंदर तो सबसे पहला नाम तो ये है ये वो पेंटर थे जिनका नाम आपको देखने को मिलता है किसके टाइम पे जहांगीर के समय पर आपको सबसे ज़्यादा ये नाम सुनने को मिलेगा तो केसुदास दूसरा नाम बसावन और तीसरा नाम जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है दैट इज़ काना ये तीन नाम आपको बहुत अच्छी तरीके से पता होने चाहिए कि इनका नाम जो है वो पेंटिंग के साथ में जुड़ा हुआ है ठीक है तो आई सपोज कि आपको मुगल टाइम पीरियड की जो पूरी कहानी थी वो समझ में आ गई होगी कि कैसा उनका आर्किटेक्चर था कैसे उन्होंने चीज़ों को बिल्डअप किया था अगर अच्छा लगा हो तो भैया एक बार से लाइक और शेयर कर दीजिएगा अभी आपसे मुलाकात करते हैं सिक्स फोर्टी फाइव एम शार्प इसी चैनल पे सेकेंडली अगर आपने पेड बैच ज्वाइन नहीं किया है तो आपके लिए पेड बैच जो है वो तीन तारीख से स्टार्ट होने जा रहा है जिसके अंदर आपको लाइव क्लासेस मिलती हैं वीकली टेस्ट मिलते हैं पूरा एक प्रॉपर आपको प्लान मिलता है और ये बैच जो है वो तीन तारीख से स्टार्ट होगा सफलता बैच के नाम से अन अकेडमी पर जाके गोल में एस को सेलेक्ट करके आप सफलता बैच को ज्वाइन कर सकते हैं और यहाँ पर जो आपको कोड यूज़ करना है वो कोड होगा प्रति टेन जब आप इसका यूज़ करेंगे तो ये अमाउंट आपका टेन तक रिड्यूस हो जाएगा आप चाहे एस की तैयारी करो एनडीए है सी है स्टेट पी में बिल्कुल आपको बेसिक्स पढ़ने हैं प्रिलिम्स के लिए तो आप इन सारे एग्जाम के लिए लेखपाल वगैरह देखो आप ऑब्वियसली बात है पी का रिजल्ट आ गया तो बहुत जल्दी अब ये सारी वैकेंसीज भी आना स्टार्ट हो जाएंगी तो इन सब के लिए आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हो इसके अलावा हर संडे को आपका कॉम्बैक्ट होता है जहां पे आपको एक करोड़ तक की स्कॉलरशिप मिल सकती है उसको मत मिस करिए फ्री ऑफ कॉस्ट होता है सभी बच्चों के लिए होता है सिर्फ कोड लगाना होता है कृति टेन और आप क्या कर पाएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट इस वाले टेस्ट को अटेम्प्ट कर पाओगे सेकेंडली आपके लिए पेड मैचेज में एक और अच्छा ऑप्शन होता है रेज योर हैंड कोई क्वेरी है कुछ भी सवाल है सीधे से पुट ऑन करो एंड टीचर विल आंसर लास्ट बट नॉट द लीज रिपोर्ट एंड विन का ऑप्शन भी आपके लिए यहाँ पे ओपन हो चुका है तो उम्मीद करेंगे कि आपको सेशन अच्छा लगा होगा एक बार इसे सेशन को लाइक और शेयर मारिएगा मिलेंगे आपसे अगली क्लास में सिक्स फोर्टी फाइव एम शार्प टिल देन खुश रहिए मुस्कुराते रहिए बाय बाय थैंक यू